हेलो गाइस, भाई मैं मुरारी और मिस्टर जेड इंडियन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाइस, मेरे पास है एक किड्स वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि कुछ इस तरह की साउंड रिलीज करता है। गाइस, इसको हम हमारी लोकल भाषा में पुपाड़ी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना नीचे। गाइस, आपने इस तरह के हॉर्न होते हैं वो बस ट्रैक या ट्रेन के ऊपर जरूर देखे होंगे। तो गाइस, जो बस ट्रेन ट्रक होता है उसका जो हॉर्न का मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जो उनके अंदर एक प्रेशर टैंक होता है जो कि इंजन के पास में होता है और इंजन के उसमें प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक कंप्रेसर लगा होता है जो इंजन से जुड़ा होता है। और जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर की सहायता से उसके अंदर प्रेशर बनता है और वो प्रेशर प्रेशर पाइप की सहायता से प्रेशर टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और आपने देखे होंगे इस तरह के हॉर्न लगे होते हैं जो कि प्रेशर पाइप की सहायता से टैंक से जुड़े होते हैं। और जो प्रेशर टैंक होता है उसके अंदर फिक्स रहता है कितना एसआई का प्रेशर इसके अंदर रखना है। और जैसे ही उसके अंदर 30 पे एसआई से प्रेशर ऊपर चला जाता है तो उसके अंदर एक और प्रेशर रिलीज वाल्व लगा होता है जो उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। और प्रेशर टैंक से हॉर्न के पास एक पाइप जुड़ी रहती है जिसके अंदर एक वाल्व होता है। जैसे हम उसको पुश करते हैं तो जितना प्रेशर हाई प्रेशर से निकलेगा तो वो हॉर्न उतनी ज़्यादा साउंड निकालेगा। तो हम भी कुछ इस तरह का हॉर्न वाला मैकेनिज्म इसकी सहायता से घर पर बनाने वाले हैं। तो गाइस, आप भी अपने घर पे इस तरह को ट्राई कर सकते हैं या जो भी बच्चे हैं वो भी इसको बना सकते हैं। इसमें कोई रिस्क वाला काम नहीं है और अपनी कॉलेज या स्कूल के लिए जो भी हॉर्न का मैकेनिज्म कैसे काम करता है उस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, हमें किड्स वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हॉर्न मैकेनिज्म बनाने के लिए कुछ इस तरह की बोतल का यूज करने वाले हैं जो कि हमारे लिए प्रेशर टैंक का काम करेगी। और इसके लिए हम एक वाल का यूज कर रहे हैं जो कि प्रेशर को रिलीज करने के लिए ओपन करने के लिए हमें काम आएगा। हमने बोतल के ऊपर कुछ इस तरह का वाल लगाया है जो कि साइकिल की ट्यूब के अंदर होता है। जो कंप्रेसर होता है वो हमारे पास नहीं है तो हम इसका एयर पंप का यूज इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करने के लिए एयर पंप का यूज करेंगे। और इसके ऊपर इस वाल को लगाएंगे, इस पाइप की सहायता से दोनों को कनेक्ट करेंगे और ये स्विच हमारा इसको ऑन ऑफ करने का काम करेगा प्रेशर को। और गाइस, यदि आपके पास अच्छा टैंक है, आप अच्छा हॉर्न बनाना चाहते हैं अपनी गाड़ी या ट्रैक्टर के लिए, तो इसके अंदर आप कंप्रेसर यूज कर सकते हैं डीसी मोटर वाला जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। और इसके अंदर आप एक्स्ट्रा में एक ओवर प्रेशर रिलीज वाल्व भी लगाना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा प्रेशर उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देगा। तो इससे आपका जो टैंक है वो सेफ रहेगा। तो मैंने जो साइकिल वाला वाल्व बोतल के ऊपर यहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया है, इसको अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो भी अंदर का प्रेशर है वो बाहर की तरफ निकल नहीं पाए। और जो वॉल है वो आर ओ के पार्ट्स में आपको मिल जाएगा इस तरह का वाल्व, ये 20-30 रुपए का आता है। और मैं जो वाल है इसको यहाँ पे बोतल के अंदर जो वॉल है इसको यहाँ पे ढक्कन के अंदर लगा दिया है और इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ। और गाइज, आपको सबसे पहले जो बोतल है इसकी जो हवा है अंदर की उसको इस तरह से पुश करके बाहर की तरफ निकाल देना है और जो वॉल है इसको ओपन कर देना है तो इसके बाहर के अंदर इसके अंदर नहीं आ पाएगी। और इसके बाद जो पाइप है इसको मैं यहाँ से इस पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ। और जो हमारी पुपाड़ी है इसको मैं इसकी नोजल है इसको इस पाइप के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस, हमारा जो हॉर्न मैकेनिज्म है वो बनके कंप्लीट हो चुका है। और जो प्रेशर टैंक है हमारा बोतल वाला इसके अंदर हम गाइस इसकी जो एयर थी वो बाहर निकाल दी है। और मैं तो इसकी जो सॉकेट है इसको मैं वॉल से कनेक्ट कर देता हूँ और अब इसके अंदर हवा भरते हैं। गाइस, इसके अंदर हवा है वो अच्छे से भर चुकी है और अब इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये हमारा हॉर्न यहाँ पे रखा हुआ है और आप देख सकते हैं अच्छे से टाइट हो चुकी है बोतल। अब आप देखना इसकी साउंड देखना, हम उससे बजाते हैं उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो मैं वाल को ऑन करता हूँ। ऑन करे इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3, 2, 1 गो। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो साउंड है इसकी बहुत ही ज़्यादा साउंड थी और इसके अंदर अभी प्रेशर बहुत सारा प्रेशर है। गाइस, आप भी कुछ इस तरह के जुगाड़ की सहायता से अपने लिए हॉर्न बना सकते हैं और इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई भी नुकसान वाली या डेंजरस वाली बात नहीं है। गाइस, हमारा जुगाड़ आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।